डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एक्सरसाइज 1G है, क्लास 9 का आर एस अग्रवाल का यह मैथ है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है दो पार्ट ओनली दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 2014 में पूछा गया था, संभवतः ये आने वाले समय में भी पूछा जाएगा, तो इसीलिए इसको ध्यान से बनाना है। आइए मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का दोनों पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 2 दिया हुआ है और बी की वैल्यू जो है वो 3 दिया हुआ है। तो इसके अनुसार हमें बनाना है, जैसे कि ए पर पावर बी दिया हुआ है तो ए जो है हमारा 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस पर पावर जो है बी है, तो बी जो है वो 3 है, तो पावर इस पर 3 आ जाएगा, उसके बाद प्लस हो गया। बी जो है दिया हुआ है 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, और इस पर पावर ए दिया हुआ है तो ए 2 है, तो यहाँ पर पावर हम 2 दे देते हैं। उसके बाद जो है ब्रैकेट बंद कर देते हैं और माइनस 1 जो पावर दिया उसके बाद, ये हो गया। अब जो है क्या हो जाएगा, तो 2 को 3 बार हम लिखेंगे। 2 को अगर हम 3 बार लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जो 4 हो गया, 4 2 जो 8, यहाँ पे हम 8 लिख लेते हैं, प्लस हो गया। और 3 को 2 बार करते हैं, 3 3 जो 9 हो गया, तो हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, और माइनस 1, तो 8 और 8 16 और 1 17 हो गया, 8 9 17, तो यहाँ पे हम 17 दे देते हैं, और इसका पावर जो है -1, तो -1, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि a पर पावर -n है इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय a पर पावर n, ये प्लस में हो जाएगा लेकिन ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से करते हैं, जैसे कि ये हो गया 1/17 हो जाएगा, 1/17, और यहाँ पे इस 1 को हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन अगर 1 यहाँ लिखते हैं तो 1 लिखा नहीं जाता है, उसका वैल्यू सेम होता है, तो मतलब 1/17, यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे a दिया हुआ है तो a मतलब है 2, तो यहाँ पे 2 पर पावर a, a पर पावर a मतलब a की वैल्यू तो 2 है, तो इस पर पावर 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया पावर प्लस, और v जो है b 3 है, और उस पर पावर जो है b ही है मतलब 3। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, बाहर दिया हुआ है -1 पावर, तो इसको लगा देते हैं। अब जो है 2 2 जा 4 हो गया, तो हम 4 लिख देते हैं, और 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27 प्लस 27 हो गया, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और -1, तो यहाँ पे 27 और 4 31 हो गया, 31 माइनस पावर जो है -1 हो गया। अब ठीक ये फॉर्मूला के अनुसार जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/31, और अगर यहाँ पे पावर लिखते हैं उसका वैल्यू सेम ही रहेगा, इसीलिए यही इसका आंसर हो जाएगा 1/31। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।